आज हम बात करेंगे लिवर और पैनक्रियास की उन बीमारियों के बारे में जो कि भविष्य में कैंसर पैदा कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिवर की। एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस ऑफ लिवर का मतलब है कि किसी भी कारण से लिवर के अंदर जब फाइब्रोसिस बहुत अधिक हो जाता है तो वो लाइलाज बीमारी हो जाती है, और उसको चलते अगर बहुत साल तक वो ऐसी ही रहती है तो उसमें कैंसर बन जाता है। उस कैंसर को हम बोलते हैं हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। बहुत सारे कारण हैं, जैसे अल्कोहल होना, बहुत अधिक मात्रा में फैटी लिवर होना जिसको नैश बोलते हैं, या फिर हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन होना। इन सभी कारणों से सिरोसिस होता है, और किसी भी कारण से अगर सिरोसिस हो गया लिवर का तो वो कैंसर पनपने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, अगर सिरोसिस आपको या किसी फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को है, तो उसका रेगुलर चेकअप डॉक्टर से कराएं, जिससे कि कैंसर छोटे से रूप में ही पकड़ में आ जाए और उसका पुख्ता इलाज हो जाए। और दूसरा एक और तरीका बचने का यह है कि अगर सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाए तो उसमें इंडिकेशन होने पे लिवर ट्रांसप्लांट कराने से भी हम कैंसर से बच सकते हैं। अब आते हैं हम पैनक्रियास के ऊपर। पैनक्रियास की एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। ये भी बहुत सालों तक के बाद कैंसर बनाने में हेल्प करती है। इस बीमारी के अंदर भी कैंसर बनता है, इसीलिए इसको भी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन बोला जाता है। बहुत सारे कारणों से क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस होता है, जिसमें मुख्य रूप से अल्कोहलिक पैनक्रियाटाइटिस है। दूसरी बात याद रखिए कि स्मोकिंग से भी कैंसर ऑफ पैनक्रियास होता है। तो अगर आपको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है तो आपको साथ में स्मोकिंग या अल्कोहल लेने से वो कैंसर का रिस्क कई गुना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और रेगुलर चेकअप्स कराइए, जिससे कि अगर कैंसर हो भी जाए तो समय रहते छोटे रूप में ही उसका हम इलाज ढंग से कर पाएँ। थैंक यू।